यो और सभी वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम फिर से खेलने वाले हैं फिफा मोबाइल। तो जैसा आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा, तो लास्ट वाले मैच में हमने खेला ब्राज़ील वर्सेस स्विट्जरलैंड और जिसमें हम जीत गए ब्राज़ील। फिर अभी हम क्वालिफाइज में पहुँच गए, तो अभी हमारा मैच होने वाला है उरुग्वे के साथ। तो फिर हम खेलेंगे क्रोटिया और फिर स्पेन के साथ। ऐसे ही बस खेलते जाना, और जो टॉप टू टीम्स हो गया वो जाके क्वालिफाइज खेलेंगे, फिर क्वालिफाइड टू खेलेंगे, फिर सेमीफाइनल्स खेलेंगे और फिर फाइनल्स को जाके जो जो टीम जीतेगा वो कप लेकर जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं गाइस। तो राउंड ऑफ 16 फिफा वर्ल्ड कप कतर 2022। Okay, तो चलो उरुग्वे, जैसे मैंने बोला था कि उरुग्वे टीम के साथ ही हम खेलने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। 90 मिनट्स का टाइम होगा हमको, मान जो टीम ज़्यादा गोल मारेगा वही जीतेगा एज ऑलवेज। वो फर्स्ट गोल इन जस्ट 4 मिनट्स, विनीशियस जूनियर स्टार्ट्स ऑफ विद अ गोल। 4 मिनट हुए और पहला गोल भी मार दिया। ओके सुआरेज, ओके सुआरेज है उरुग्वे में ही। ओके टैकल्ड गुडवान, आज फिर से विनीशियस जूनियर फुल फॉर्म में लग रहे हैं। और सेकंड गोल मार दिया 9 मिनट में, क्या बात है विनीशियस जूनियर, आज 10 गोल मार के जाएंगे ब्राजील के लिए। टैकल करो, टैकल टैकल टैकल, नहीं बियार, कम ऑन नहीं बियार, गुड वन, अभी नहीं बियार भाई मारेंगे गोल। टैकल करो हमसे, स्कैम के, हट साइड हट, मैं मारेगा गोल। गोल, थर्ड गोल भाई, क्या फॉर्म में है ब्राजील, 16 मिनट में 3 गोल, गुड वन, देखो सीधा गोल मार दिया, क्या बात है यार, आज तो फुल फॉर्म में लग रहा है। ओ टैकल 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 कर ले, गुड वन, अरे ले गया। ओके या बॉय, आओ टैकल करो मेरे से। ओके मैं ही मारूंगा फिर से गोल, स्प्रिंट एंड स्किल शूट, गोल, फोर्थ गोल इन 25 मिनट्स। 2 गोल बाय विनीशियस जूनियर और 2 गोल नेमिया जूनियर से, दोनों जूनियर्स ने क्या ही कमाल करके रखे। उड़े गए इन फुल शॉक कि क्या हो रहा है ये, सुआरेज कुछ नहीं कर पा रहे अपने टीम के लिए। इस बार क्या वो लोग गोल मार पाएंगे, और ये आउट्स, हो थ्रो बॉल भी मिस हो गया इनसे। अभी गैब्रियल भाई मारेंगे, ओ टैकल कर लिया उसने, क्या हुआ पेनाल्टी। ओके गुड वन, आओ टैकल करना, आजा, क्या हाथ पकड़ रहा है, पकड़ लिया है। ओ टीममेट वाज इन ऑफसाइड गाइस, तो चलो नो वरीज, वैसे भी हमारा 4 गोल्स है तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। ओके ये क्या, शूट, कम ऑन, 5 गोल्स इन 45 मिनट्स, क्या बात है, हाफ टाइम में 5 गोल, क्या बात है यार। टाइम्स अप, टाइम्स अप। ओके उरुग्वे हाफ टीम हाफ टाइम पे कुछ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अभी शुरू होता हाफ टाइम और देखते हैं फुल टाइम क्या ये लोग 6 गोल मार पाते हैं।
गैब्रियल जीसस ने उनसे छीन लिया बॉल और सीधा करेंगे शूट, और इसी के साथ 49 मिनट्स में 7-6 गोल मार दिए। क्या हम 10 गोल मार पाएंगे? क्या यह पॉसिबल हो सकता है? देखते गाइस। ओहो गुड वन। ओए टैकल कैसे कर लिया इसने? कोई बात नहीं, अलर्ट। गोल, नॉट अ गोल, नॉट अ गोल। इट्स टीममेट ऑफसाइड में। ओके सब्स्टिट्यूशन प्लेयर वांट टू एंटर इंस्टेड ऑफ नेमर जूनियर, मैथ्यू कुन्हा। ये गोल नहीं है गाइस, क्योंकि हमारा टीममेट ऑफसाइड पे था, वरना ये गोल ही होता। पकड़ ले, अरे किसको पास कर रहा है यार? गुड वन, ये बात कुछ नहीं कर पाए, फुल कंफ्यूज्ड। मैथ्यू कुन्हा ने मारे, मैथ्यूस कुन्हा। उसने भी स्लाइडिंग सेलिब्रेशन, सब लोग स्लाइडिंग सेलिब्रेशन। और इसी के साथ 7 गोल हो गए 65 मिनट में। बाकी रह गए 25 मिनट, जो करना है उनको 25 मिनट में करना है। आउट्स, नॉट आउट, नॉट आउट। वो लगा आउट चला जाएगा। अच्छा टैकल कर ले, विनीशियस मारेगा, छोड़ तो ही बाल ले। अरे यार क्यों ऑफ साइड पे जाते हो? कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उनका गोल तो जा नहीं रहा कुछ। अरे मार लेगा, पकड़ ले बॉल, शाबाश। नहीं नहीं, ड्रॉप बॉल नहीं करना, किक बॉल करो। क्या गया, वाह किसको पास कर रहे? देख ऑपोनेंट टीम। शाबाश, दिस इज माय बॉय। गोल, 8 गोल्स इन 86 मिनट्स। अभी 4 मिनट्स में तो 9 गोल पॉसिबल तो है नहीं, तो चलो हम जीत चुके हैं। हम कह सकते हैं 99.9% जीत चुके, नहीं 100% ही जीत चुके गाइस, 99.9%। एक गोल एटलीस्ट मार लो। ओ ओ हमसे टैकल करेंगे, देखो। चलो 10 गोल ऑलमोस्ट मारने वाले थे, 2 गोल्स बाकी थे, लेकिन फिर भी हम जीत गए। तो अभी अगर हम गोल्स देखा जाए तो विनीशियस जूनियर ने मारा 2 गोल्स, नेमार जूनियर ने मारे 3 गोल्स, गैब्रियल जीसस ने 1 गोल और मैथ्यूस कुन्हा ने 2 गोल्स। तो चलो गाइस, उरुग्वे का बहुत बड़ा गजब बेइज्जती हुआ है, क्योंकि वो 1 भी गोल नहीं मार पाए। और इसी के साथ उरुग्वे और क्रोटिया दोनों बाहर हो चुके हैं गेम से। और अभी देखा जाए तो मेरे साथ खेलेंगे स्पेन, अर्जेंटीना, नेदरलैंड्स, और उस तरह से इंग्लैंड, डेनमार्क, पोर्टुगल, बेल्जियम। तो आई थिंक उनके उनके साइड पे जो होगा ना, दो टीम्स, आई थिंक उनमें से अगर मैं बस लगा रहा हूँ चांस जीतने का, पोर्टुगल और इंग्लैंड जीत सकते हैं, और इस साइड पर ब्राज़ील और अर्जेंटीना। तो देखा जाए तो और चारों के चारों टीम स्ट्रॉन्ग ही होने वाले, फाइनल्स में बहुत तगड़ा मैच होने वाला है। तो अगर आपको फाइनल्स भी देखना है तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब कर दो, और बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे सेट कर दो, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइस।